Hi guys, welcome back to another meme video. तो guys, आज हम लोग देखने वाले हैं most funny meme videos. तो guys, चलो बिना time waste के start करते हैं और आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा, इसलिए like का बटन अभी से दबा दो. चलिए जानते हैं इस बार लोगों से उन्हें क्या लगता है कि बिग बॉस सीजन 17 में इस बार कौन आएगा. कौन आएगा भाई, ये तो सीक्रेट है. अभी सुनने में आया मनीषा एंड जिया आ रहे हैं. मुझे लगता है आपको क्या लगता है इस बार बिग बॉस 17 में कौन आएगा? आएगा तो मोदी. कोई समझाओ यार, बिग बॉस की बात हो रही है, राजनीति की नहीं. आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 8% है, लेकिन इस बेरोजगारी का कारण सिर्फ ये नहीं है कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही, बल्कि इसका कारण ये है. अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई, असल बेरोजगारी का कारण ये है, लोग खुद से ज्यादा दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं. केन डू जनरेशन, कैन डू जनरेशन. क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं नहीं, आज ये फैसला हो ही जाए, या तो इस सोसाइटी में तुम रहोगे या हम रहेंगे. ठीक है तो बोल भैया, किधर शिफ्टिंग कर रहे तू? नहीं वो टेम्पो का खर्चा मैं पंचर करता हूँ. बोल किधर शिफ्ट हो रहा है तू, जा जल्दी जा यहाँ से. पूरा बोले सिक्का बाबे दिया मेरे जाट के. अरे जरा टप्पू को समझाओ. अरे ऐसे कैसे शॉट मारा? बॉल सीधा मिसल में और मिसेस सीधा मेरे पे. अरे दादर जाके मिसल लेके आया था मैं, मालूम है? एक काम कर भाई, मिसल कितना 50 का होगा ना? ये 100 है, 50 ले लो, 50 वापस दो. पंगा पेजे फिर नाल देनी पीछे हट दे नाले डट पट. भाई मानना पड़ेगा जेठालाल में दम तो बहुत है. जेठालाल क्रिकेट क्या होता है वो मुझे मत समझाओ, समझे ना तुम? अरे हमारे जमाने में जब क्रिकेट खेलता ना तो अच्छे अच्छों को पसीना छूट जाता था. कोई मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाता ही नहीं था. अच्छा, इतना बेकार खेलता था तू? तेरे यार दिया टॉर जिमे 32 सरकारी दास का तो कबरा में. अगला एपिसोड लगता है चारों तरफ से बारी बारी लोग भाई साहब की बेइज्जती करेंगे आज. बहुत देखो, जब किसी के जिंदगी में फेम आ जाता है ना, वो भी जिस तरह का फेम आपकी लाइफ में आया, तो बहुत सारे लोग नीचे खींचने की कोशिश करेंगे. लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? बात तो सही है, लोग रास्ता फेंकते हैं, वो मोटा वाला रास्ता फेंकते हैं, फेंक के खींचते हैं भाई, इतना तेजी से खींचते हैं, मैं तुमको क्या ही बताऊं. मैं ध्यान ही नहीं देता तो मेरे को पता ही नहीं लगता कौन खींच रहा है. सिग्मा रूल हैज 111, ऑलवेज फोकस ऑन गोल्स एंड इग्नोर हेटर्स. लाइन तो भाई इसमें बहुत सही लिखी है. हेलो, क्या प्रिंसिपल सर वहाँ पर हैं? हाँ प्रिंसिपल सर, मैं अपनी जियान है, नहीं जियान, जुआन, ऐसे कुछ नाम है इसका. पेड लीव इस्तेमाल करना चाहता हूँ. हाँ वो मेरी बहन हिमावारी को थोड़ा जुकाम हो गया है, बदलते मौसम में तो ऐसा हो ही जाता है. मैं बस ये बताना चाहता था कि मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगा. ये तो सिर्फ कार्टून में ही हो सकता है, रियल में ऐसे प्रिंसिपल से छुट्टी मांगी ना तो स्कूल जाने के बाद. इस बच्चे की वीडियो मैंने पहले भी देखी है, इसको 3-4 लोगों ने रोस्ट भी किया है. तुम्हें पानी पीना है? Not bad, not bad. Now you. And it's like this, and we were, I need water, help me, I need water, help. कुछ नहीं भाई, ये पैसा ज्यादा होने का साइड इफेक्ट है. कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो कि जिसको सोच के बाद में आप भी हंसे होंगे, यार ये मेरे साथ क्या हुआ? अभी मजा आएगा ना. और कमांडो से लग रहे थे वो, सिविलियंस से, और यहाँ पे उन्होंने असला लगाया हुआ, बंदूक लगाई हुई और ऐसे आ गए. कौन आनी सिंह, कौन है तू? है तो पता कौन हूँ मैं? मैं कह नहीं भैया नहीं पता. हम ATS है, एंटी टेररिस्ट कोड. यहाँ पे हमने IPL करा लिया, शाहरुख खान आ गया, हमारी ड्यूटी लगाई, तू है कौन? कहेगा सर मैं अनी सिंह हूँ. गाता क्या करता गया तू? तूने पागल कर रखी है, जयपुर सारा बंद कर रखा है तूने, ATS बुलानी पड़ेगी इनको. हनी सिंह में बात तो है भाई, जब किसी के गाने चलते नहीं थे तब इनके गाने ट्रेंड में जाते थे. मैं देवी ढिंचक पूजा, ढिंचक पूजा के बारे में मैं यही कहना कि भाई वो खुद कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर है ना, जो बड़ी बड़ी यूट्यूबर जो वीडियो बनाती है उनको देखे, मतलब उनकी कॉपी है यार, उनका अपना मतलब कंटेंट कुछ भी नहीं है, सबकी कॉपी करती है वो. मैंने खुद उनके वीडियो देखे हैं, मतलब सब कॉपी है उनकी. अरे वो तो गाने गाती है साला, मुझे तो खुद ही नहीं पता ये ढिंचक पूजा कोई है कोई. भाई कुछ भी बोल रहा भाई, पुलिस सुपरस्टार तो कुछ भी फेंक रहे हैं यार, नहीं जानते फिर भी उनके बारे में बात पे बात बनाए जा रहे हैं. हाँ जी बताइए. हम यहाँ एक बाइक के बारे में कुछ पता करने आए हैं. पता करना है मतलब?
मतलब ये कि आपके यहाँ से जितने भी तूफान बाइक काले लाल रंग के बिके हैं और जिनका नंबर 76 पे खत्म होता है, हमें उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। ये डिटेल्स इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि हम हर आदमी को नहीं दे सकते। आप लोग जा सकते हैं। हम लोग CID से। CID? क्या होता है? भाई हमारे यहाँ के बच्चे बच्चे से पूछ लोगे CID क्या है, भाई वो लोग भी बता देंगे। भाई गजब बेइज्जती है CID वालों की। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। भाई कैसा प्रोडक्ट बना दिया, देख मरने वाली बात चल रही है। प्रोडक्ट भी नहीं दिखाया यार इस सीन में। एटा के एक सामान्य किसान परिवार में रहने वाले इंजीनियर की शादी इस बार स्वीडन से आई एक लड़की के साथ हो रही है। एक किसान की शादी स्वीडन से आई हुई लड़की के साथ हो रही है। फेसबुक पर 2012 में मिले क्रिस्टल और पवन इस बार विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। भाई लिखा है मेरे फोन में स्टोरेज ही नहीं है फेसबुक इंस्टॉल करने का। तो आपका फेवरेट स्पोर्टिंग इवेंट? फुटबॉल। आपकी स्पोर्टिंग आइडल? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसे नापने का शौक है, इसे नापने का शौक, इसे नापने का शौक, इसे नापने का शौक है, इसे नाप। भाई अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, एक बच्चा था वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोल रहा था, और भाई ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोल रहे हैं, जो कि ये भी प्लेयर है यार एक। क्रिस्टियानो को अपना नाम बदल कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रख लेना चाहिए, ये आसान पड़ता है भाई हम इंडियन के लिए। ओए हाथ क्यों लगाया, हाथ क्यों लगाया? क्यों दारू पी के छेड़ता है? अपनी जंगल देखिए, तुझे अंदा भी ना छेड़े। भाई गजब पे जीती है आंटी की। अंकल अंकल आप पुलिस में हैं? हाँ बेटे। क्या हालत कर दी है देश की? ये आंटी में ऐसे बोलेगा तो यार इसको नहीं, इसके पूरे खानदान को उठा ले जाएंगे पुलिस वाले। ये के किसी और को भी मौका मिले शादी शुदी करनी है या नहीं लाइफ में, जब खुद के साथ ही करनी है? कर लें, खुद ही बनते हो ना सब कुछ। खुद के साथ शादी कैसे होती है भाई? इधर से आया, इधर खुद बोला, फिर उधर से खुद बन जाए। शादी में दोनों हाथ से बजती है ना ताली, तो आप तो दो, आप खुद के साथ भी तो ताली बजा सकते हो ऐसे करके। भाई माना भुवन भाम अकेले ही अलग अलग कैरेक्टर करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना खुद के साथ ताली बजा के शादी कर लें। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।